बेस्ट 5 यूरोस एवर स्पेंट. कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा मैं इसकी ब्यूटी. व्हिच वन डू यू प्रेफर, वी हैव सीशा एंड चॉकलेट. वॉफल पे टूट के पड़ रही जैसे गुड़ पे माखी. यहाँ पर कोई भी बंदा भूखा नहीं रह सकता. पार्क दू सिंक को तनेर. नीचे कमेंट करके बताओ कि हमने कितनी बियर पी होगी. गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल. और हम हैं आज ब्रसल्स में, ये है बेल्जियम की कैपिटल. आज है 13 अगस्त और ये है हमारी कनाडा टू इंडिया रोड ट्रिप बाय रूसेराही. और हम हैं रूसेराही, आपको दिखाएंगे बेल्जियम के बारे में, बहुत सारी हिस्ट्री बताएंगे और इनके खाएंगे बेल्जियन वॉफल्स. और अब यहाँ से फटाफट करते हैं पैकअप और निकलते हैं शहर की तरफ. भाई अपने नहाने गए हैं राहुल भाई फाइनली कई दिन बाद, तो आज हम जा रहे हैं उनको नहला धुला के पूरा शहर घुमाने. तो चलो चलते हैं यार, ट्रेलर ऑलमोस्ट पैक हो चुका है और अब आपसे मिलते हैं रोड पे. फाइनली ब्रसल्स के अंदर आ चुके हैं मेन डाउनटाउन के आसपास. और यहाँ पर फर्स्ट टाइम मैंने पूरे पेरिस से यहाँ तक आगे अब जाके भीड़ देखी है. यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक है तो अब गाड़ी फटाफट पार्क करेंगे और यहाँ पर करेंगे पैदल यात्रा. 11 नंबर की बस सबसे बढ़िया. बिजी सिटी में यार पार्किंग ढूंढना भी एक कला है जो कि हमें बखूबी तो आती है. फाइनली यार काफ़ी जद्दोजहद के बाद अपने को एक मिला पार्किंग स्पॉट, बल्कि हमें दो चाहिए होते हैं क्योंकि पीछे ट्रेलर भी है. और अब यहाँ से 10-1 मिनट की वॉक है भाई ग्रैंड पैलेस की. ग्रैंड पैलेस यहाँ पर बहुत एक ज़्यादा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, उसको हम देखने जा रहे हैं, उसके बारे में आपको दिखाते हैं और बताते हैं आगे. तो यार जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ, जहाँ पर भी मेरे को मौका लगता है ना पैसे बचाने का, मैं झट से बचा लेता हूँ. जैसे कि यहाँ पे जो पार्किंग की टिकट है वो हमारे को 0 यूरोज़ पे मिली, तो जैसे ही मेरे को ये पता चला मैं जब ही टिकट निकाली और गाड़ी पे लगा दी. ये सामने कमाल की बिल्डिंग देख रहे हो, ऐसा लग रहा है ना कोई हिस्टोरिकल साइट है, लेकिन ये है यहाँ का बेल्जियम स्टॉक एक्सचेंज. मैं भी इसी वजह से शॉक्ड रह गया था कि लाइक वाओ, इतनी ज़्यादा मार्वेलस बिल्डिंग को मॉन्यूमेंट ने इन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में यूज़ करा है. और भाई अमेजिंग एक चीज़ बताओ, यहाँ पूरा का पूरा देख रहा है कि मतलब इतने सारे रेस्टोरेंट हैं ना यहाँ पे, हर एक माइल में 1 किलोमीटर के अंदर इतने सारे रेस्टोरेंट हैं कि आपको चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यहाँ पर कोई भी बंदा भूखा नहीं रह सकता भाई. फ्रेंच फ्राइज यहाँ से बनी थी, मतलब यहाँ से ओरिजिनेट हुई है फ्रेंच फ्राइज, तो यहाँ की फ्रेंच फ्राइज ट्राई करेंगे. साथ ही साथ यहाँ पे बेल्जियम की जो बियर्स है वो वर्ल्ड फेमस है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है, वो ट्राई करेंगे. और भाई वॉफल्स भी ट्राई करेंगे क्योंकि वो वरुण के फेवरेट्स हैं, तो वॉफल्स भी ट्राई करते हैं. सो बेसिकली जब भी हम बेल्जियम का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में 4-5 चीज़ें ही आती हैं, लाइक बेल्जियम वॉफल्स, बेल्जियम फ्राइज, बेल्जियम चॉकलेट्स एंड बेल्जियम बियर. तो आज वो सब पिएंगे, सब खाएंगे और आपको टाउन दिखाएंगे फुल पावर. ये चेक करो यार, वाह, एक नंबर वाइब है टाउन की, लाइक प्रॉपर इंग्लिश, प्रॉपर ओल्ड टाउन वाइब्स पे तरीके से बना रखा है, रियली ब्यूटीफुल. तो यार इस समय हम जा रहे हैं ग्रैंड प्लेस की तरफ. ग्रैंड प्लेस ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से लिटरली 10 मिनट की हमारी वॉक है. एंड यहाँ पे बहुत ही सारी ऐसी हिस्टोरिकल साइट्स हैं यार, मतलब हिस्ट्री तो भरी बैठी है. हिटलर यहाँ पर भी आया था भाई अपनी फौज लेकर, यहाँ पर भी उसने राज करा काफ़ी टाइम के लिए. और एक और आपको अमेजिंग बात बताता हूँ कि यहाँ पर अभी भी राजाओं का राज है, मतलब यहाँ मोनार्की सिस्टम अभी भी है जैसे हमारे यूनाइटेड किंगडम में है. उस तरफ है ग्रैंड प्लेस और हर जगह यार प्रॉपर आर्किटेक्चर की बात करें तो यूरोपियन आर्किटेक्चर इज रियली ब्यूटीफुल. और यार इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल मुझे लग रहा है ये अपना बेल्जियन चॉकलेट्स. तो यहाँ जाके यार मैं तो थोड़ा सा माफ़ करना इधर उधर चला गया, तो मैं चाहूँ थोड़ा सा चॉकलेट वॉकलेट देखें. ओ वाह भाई, मतलब चॉकलेट 3.5 यूरो की, 5 लोगे तो 14 यूरो की, वाह सही है. यहाँ से चॉकलेट ट्राई करते हैं भाई, ये देखें, ये तो जिनके स्वीट टूथ है ना उनके लिए तो ये हेवन है ये जगह. तो ये तो मतलब राहुल भाई के लिए जन्नत है, उनको यहीं छोड़ देते हैं, उनकी जॉब लगवा देते हैं यहाँ पे. I'll take the Sishan. Thank you. How's it? Obviously, it's amazing. Truffle? This is truffle, this is Sishan. Thank you. Wow. Amazing chocolate. Amazing. कोई नहीं, तो ये वाली चॉकलेट देख कैसे पुतले से बना रखे हैं. बट मेरे को ये वाली पसंद आ रही है, इसमें भाई काफ़ी सारी वैरायटी है, ये लेते हैं और आगे बढ़ते हैं. फुल पावर. तो भाई ये डब्बा लिया है, 8 यूरो का पड़ा है, 8 यूरो के हिसाब से
खुद ही कैलकुलेट कर लो यार, 700-800 रुपए होता है। हाँ 700-800 रुपए का ये डब्बा भाई चॉकलेट का, खा के देखते हैं, खा के बताते हैं आपको कि कैसा है टेस्ट इसका। इसमें अलग अलग फ्लेवर्स है तो ऑब्वियसली बात है सारे फ्लेवर्स अलग अलग होंगे। कैसा है ये तो उससे भी ज़्यादा बेहतर है। वाह मैं भी खाता हूँ। और वही बात है मिशन पे वापस चलते हैं यार, थोड़ा घूमें खाने पीने में ही रह जाएंगे नहीं तो। भाई खाने वालों के लिए तो ये हेवन है जगह, मतलब इतनी सारी वैरायटीज है, इतनी सारी ऑप्शंस है यहाँ पे खाने की, जिसकी कोई मतलब आप कहीं से कंपेयर नहीं कर सकते भाई इसको। सो गाइस फाइनली वी हैव अराइव्ड टू ग्रैंड प्लेस, और ये देखो पीछे चेक करो पूरा टाउन भाई साहब, ये 15th सेंचुरी से बहुत रेलेवेंट है। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ हिस्ट्रीज देखी गई हैं, और मेजर बात यह है कि यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था 1998 में। एंड दिस व्यू इज ब्यूटिफुल, और यहाँ की कोई टिकट नहीं है कुछ नहीं, यू कैन जस्ट कम फ्री ऑफ कॉस्ट। और सामने लगा हुआ है हाथी मेरा साथी, उसके पास चलते हैं यार। नज़ारे तो यहाँ के लोग ही ले रहे हैं फुल पावर, मज़ा देख रहे हो, मतलब ग्रैंड प्लेस का चौक है, चौक पे लोग फुल पावर पार्टी करते घूम रहे हैं, खाना चल रहा है, दारूएं चल रही हैं, बियरें चल रही हैं, और भाई इसकी चोटी तो हाथ में ही नहीं आ रही है, तो आसमान ही छू रही है। ओह वाह वाह वाह, हाँ जी कैसा लग रहा है भाई? लिटरली बताऊँ ना, मतलब अलग सा ही एक फीलिंग आ रही है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि मतलब ये मैं देख भी पा रहा हूँ। भाई मजाक कर नहीं कर रहा, मतलब इस ट्रिप से निकलने से पहले ना एक एक्सपेक्टेशन थी कि बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, बहुत कुछ देखेंगे, बट अब जब देख पा रहे हैं ना तो ये बहुत ही ज़्यादा अलग एक्सपीरियंस है, बहुत अलग एक्सपीरियंस। वो देख पूरा गोल्ड प्लेटेड सा उन्होंने कर रखा है सारा का सारा, ये भाई ये होटल है यहाँ पर 15वीं सेंचुरी का, पीछे अपने ग्रैंड प्लेस है, मतलब अमेजिंग भाई अमेजिंग। तो इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बताया गया था 1998 में यूनेस्को द्वारा। भाई साहब मतलब बहुत लेट हुए वो लोग बताने में, बहुत पहले बता देना चाहिए था। दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल, दिस फील्स सरियल बहुत ज़्यादा, डेफिनेटली। और ये कलर कितना अच्छा है ना इस बिल्डिंग पे ब्लैक। तो यार अब यहाँ से निकलते और आगे चलते हैं बेल्जियम। भाई यार यहाँ पे तो दुनिया ऐसे वॉफल पे टूट के पड़ रही है जैसे गुड़ पे माखी, भाई मसाला मतलब इतने भर भर के लोग बावड़े ही हो रहे हैं। मेरे को लग रहा है राहुल भाई के यहाँ छोड़ दिया तो वो 100 से 150 किलो के बने में 2 दिन नहीं लगाएंगे। यहाँ मोस्टली कंट्रीज़ की जो भी अट्रैक्टिव साइट्स होती है वहाँ पर आपको मिल जाएंगी बहुत सारी सोविनियर शॉप्स। तो यहाँ पर जो सोविनियर शॉप्स हैं भाई वो चॉकलेट्स और वॉफल्स के नाम पर है। तो ये लोग भाई चॉकलेट्स के बहुत बड़े दीवाने हैं एंड वॉफल्स के बहुत बड़े दीवाने हैं, वॉफल्स भी खाएंगे, चॉकलेट तो अभी हमने खा ही लिया है। यहाँ से बढ़ते हैं आगे अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ। देख रहे हो यहाँ का कल्चर ही है, भाई भीड़ बहुत ही ज़्यादा हो रखी है, मतलब जिसकी हद नहीं है, इतने सारे टूरिस्ट आ रखे हैं। और वहाँ देखो यार ऊपर वहाँ पे अपना फ्लैग है। तो यहाँ से आगे बढ़ते इससे पहले कोई मेरे को धक्का धुक्का दे के मेरे को इधर उधर साइड में कर दे। वरुण तो पता नहीं कहाँ पीछे रह गया, मैं निकल गया भाई यहाँ से। मेरे को भीड़ भड़ाके से थोड़ी सी एलर्जी सी हो जाती है, इसलिए भाई अपन बाहर निकल रहे हैं यहाँ से। ये देखो छोटा सा इंसान यहाँ से निकल के बाहर आ चुका है भाई टाउन में। और यार राहुल भाई कह रहे थे कि भीड़ नहीं है, ये नहीं है, अरे पैर रखने की जगह नहीं है भाई पीछे। बिल्कुल भाई मैं मतलब बहुत चक्का रह गया कि जैसा मुझे लगा राहुल भाई कह रहे कि कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो अरे भाई 40,000 चीजें करने के लिए, मैं तो सोच नहीं पा रहा कि आज में कैसे देखेंगे। ये भाई वही वाली बात है, वी कैन नेवर विजिट एनी प्लेस बाहर से, जाना पड़ता है उस जगह पे भाई, चल के जाना पड़ता है। और हमारे रूह से राय की ये यूएसपी है कि हमारे को चलने में कोई एतराज नहीं है, हम आपको वॉक करके पूरी टाउन की वाइब चेक करा देंगे, टेंशन मत लो, बस वो सब्सक्राइब बटन को हिट करो। तो भाई ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द वेस्ट, अपन हर जगह छा रखे हैं, ब्रसल्स हो चाहे जो मर्जी कंट्री हो, इंडियंस हर जगह हैं। तो चलो भाई आपको एक ऐसी चीज़ बताता हूँ जो शायद आपको नहीं पता होगी, ब्रसल्स बेल्जियम की तो कैपिटल है ही है, साथ ही साथ ब्रसल्स पूरे के पूरे यूरोप की कैपिटल भी है। मतलब बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक सिटी है, यहाँ पे 3 से 4 पार्लियामेंट है, 3 अलग अलग गवर्नमेंट यहाँ पर काम करती है। यार दूर से शोर आ रहा था मेरे को लगा पता नहीं यहाँ पर क्या होगा, लेकिन यहाँ पे कोई चर्च का कोई प्रोग्राम सा चल रहा है फुल पावर, तो भाई लोग खुश हो रहे हैं, तालियाँ बजा रहे हैं, तो ये शोर दूर तक सुनाई दे रहा था मुझे, इसलिए मैं आया यहाँ पे। अब चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ। तो यार यहाँ पर ना बेसिकली पूरे के पूरे ब्रसल्स में बहुत ही ज़्यादा एलिवेटेड है, अपहिल बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। तो अपन ने एक नया तरीका सोचा, क्योंकि भाई शाम के बज गए हैं 5, तो 5 बज रहे हैं, सारी चीज़ें कवर अप करनी है। वहाँ दिख रहे हैं आपको दो स्कूटर वहाँ से लेते हैं, ऐप डाउनलोड कर ली थी हमने, लाइम करके एक ऐप है, इसके बाद रिजर्व आप करा सकते हो। और यहाँ से स्टार्ट राइड करते ही
ये ऐप चलना शुरू हो जाएगी, वो दोनों तो स्कूटर मिल जाएंगे, स्कूटर लेके चलते हैं आगे की तरफ। और जहाँ हम जा रहे हैं भाई वो इस समय हमारे से 19 मिनट और दूर है जगह। बेसिकली हम जा रहे हैं पार्क डू सिंकुतनेर, ये है जगह का नाम, वहाँ चलते हैं और वहाँ से आप लोगों को रिपोर्ट करते हैं। तो भाई अब दो स्कूटर ले लिए और अब इसी की राइड पे जाएंगे आराम से फुल पावर, अब सारा शहर इन्हीं से नाप देंगे। बहुत एलिवेशन थी यार, अब कम से कम थोड़ी सी कम पटेगी चलते वक्त। भाई जिस किसी ने भी ये चीज बनाई है ना, वाह मजा आ गया भाई। ये तो ऐसा लग रहा है कि हमारे को कनाडा में रख लेना चाहिए आसपास की ग्रोसरी करने के लिए। क्यों गाड़ियों का तेल फूंक रहे हम भाई? मतलब पहली बार मुझे कोई इलेक्ट्रिक शीट पसंद आई है, एंड दिस इज रियली कूल थिंग। एग्जैक्टली। तो यार जैसा मैं आपको बता रहा था कि इससे ज़्यादा बेहतर कोई अभी तक इन्वेंशन बनी नहीं है अभी 21st सेंचुरी में, जहाँ तक जो कि इतनी ज़्यादा फ्रेंडली हो। तो हमने टोटल दिए भाई 5 यूरो और 89 सेंट्स और हम पहुँच गए हैं यहाँ पे ग्रैंड डू कॉन्टिनेयर। तो यहाँ जाएंगे अंदर जाके और यहाँ से इसका नज़ारा लेते हैं और आपको इसके बारे में बताते हैं। बेस्ट 5 यूरोज एवर स्पेंट। हाँ भाई बिल्कुल बेस्ट 5 यूरोज एवर स्पेंट। 10 मिनट लगे, 3 किलोमीटर के करीब हमने इसकी राइड करी, बढ़िया मज़ा आ गया भाई। इसको जुबैल पार्क के नाम से भी बोला जाता है और ये 74 एकड़ का पार्क है, 74 एकर्स में ये पूरा का पूरा पार्क बसा हुआ है। तो भाई ऑब्वियसली बात है 74 एकर्स तो हम कवर कर नहीं पाएंगे, बट वो जो मेन जो मॉन्यूमेंट आपको दिख रहा है वहाँ के पास जाके उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। यार कितना ही तो ब्यूटीफुल है ना, मतलब मेरे को ना कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा मैं इसकी ब्यूटी, इतना ब्यूटीफुल लाइक इतना मार्वलस स्ट्रक्चर। आप यार इतनी पुराने टाइम में 1880 में बना था ये, किंग लियोपोल्ड 2 ने बनाया था और किंग लियोपोल्ड 2 उस टाइम पे यहाँ के राजा उन्होंने अपनी गवर्नमेंट रन करते थे, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही गवर्नमेंट और मोनार्क मिल बांट के गवर्नमेंट चलाते आए हैं, देश को चलाते रहे और इनका सही चल रहा है भाई। कुछ देश ऐसे होते हैं जिनकी अपनी खुद की गवर्नमेंट भी नहीं चलती और उनको दूसरों की पंगे लेने की ज़रूरत है। नाम नहीं लूँगा उन देशों का मैं, मगर चलो जो भी है, ये 50th एनिवर्सरी थी बेल्जियम की रेवोल्यूशन की, उसके कमेंसमेंट के लिए बनाया गया था, एंड दिस इज़ रियली मेसमराइजिंग। नाउ विल बी मूविंग फॉरवर्ड, अब आगे चलेंगे, कोई यार कुछ खाएंगे पिएंगे, इसने सुबह से यार भूखा ही घुमाया जा रहा है, 2 चॉकलेट खिलाई थी उसमें से बोला नहीं नहीं अभी और मत खा, अभी चलना है। तो भाई अब चलते हैं, कुछ फ्राइज व्राइज वॉफल वॉफल बियर शियर भी थे, लेट्स गो भाई। दोनों स्कूटर यहीं के यहीं खड़े हैं, कोई नहीं लेकर गया, हमारे लिए ही रखे हुए थे। तो भाई ठीक, हमारे पीछे है यहाँ का पार्लियामेंट, यहाँ पे एक से ज़्यादा पार्लियामेंट है, तो ऑब्वियसली बात है हम जब यहाँ से गए तो हमारे को दिखा नहीं, आते हुए हमने पढ़ा तो ये है यहाँ पे पार्लियामेंट और सारे के सारे आपको झंडे दिख ही रहे होंगे। इसके बिल्कुल सामने यहाँ पर एक छोटा सा पार्क है, तो मतलब भाई सिटी की वाइब तो है यार, ऐसा मतलब ऐसे मत बोलो कि सिटी में कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ है भाई करने को, करने का मतलब मन होना चाहिए, एक इच्छा होनी चाहिए। तो यहाँ से भाई अब जाएंगे सीधा बियर पीने के लिए, मैंने देख लिया ब्रसल्स बियर करके, वहाँ पे 1000 से भी ज़्यादा अलग अलग तरीके की बियर्स हैं इनके पास, इक्की दुक्की हम भी ट्राई कर लेंगे। भाई शहर में कहीं भी चले जाओ कुछ ना कुछ कलाकारी होती रहती है यार, ले यार जब हम आए जब ही कलाकारी बंद हुई है, वेरी नाइस, लाइक शी वाज परफॉर्मिंग रियली वेल, बहुत अच्छे बैलेंसिंग एंड एवरीथिंग, वाह एक नंबर। और काफ़ी लोग हैं यार, भर भर के दूर दूर तक देखो चारों तरफ यार लोग ही लोग बैठे हुए हैं, सब पार्टी शार्टी कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, कोई अपनी फैमिली के साथ, कोई गर्लफ्रेंड्स के साथ एंड एवरीबडी, और अपना भाई ये रहा। चलो यार बियर पिला दो यार, अब सबसे बेस्टेस्ट बियर देख रहे हो, मतलब शराबी नंबर वन। थैंक यू, दिस इज ब्यूटीफुल, परफेक्ट। तो भाई इनसे मांगी हमने इनकी बेस्ट बियर, इन्होंने हमारे को पकड़ा दी, अब इसको पीते हैं और इसके बाद दोबारा से एक रिफिल कराते हैं और कोई नई बियर ट्राई करते हैं। यार टाउन चेक करो, बहुत यार टाउन चेक करो, एकदम बहुत ही बढ़िया, लाइवली एंड एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग, सब घूमने निकले हुए हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं यार, और अच्छा प्रॉपर यूरोपियन स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने मिलेगा जहाँ भी आप जाएंगे देखने को। और यार वाह, मतलब अपना भाई अपना बिजी है, 2-4 कॉल्स ले रहा है, लेकिन वाह इट्स रियली ब्यूटीफुल, लाइक इट्स रियली मेसमराइजिंग। और भाई यहाँ पर पी थी हमने फुल पावर बियर और मज़ा ही तो आ गया यार, और यहाँ पर मस्त कलाकारी चल रही है, यहाँ पर भाई फुल पावर इंजॉयमेंट करा रहा है सबकी यार, लोग ही लोग इंजॉय कर रहे हैं, सब एकदम ताली बजा रहे हैं, सब अपना फुल पावर इंजॉय कर रहे हैं, और भाई अपना कुछ करतब वर्तव दिखा रहा है, वाह एक नंबर, देखो भाई को अच्छे से यार, ये देखो भाई के एक्रोबैट स्किल चेक करो तो, वाह मतलब भाई एकदम फुल पावर लगा ही तो हुआ है, ऐसा मेरे से तो नहीं हो पाता, शायद दिवांशु फिर भी कर लेगा, दिवांशु तू तो कर ही लेगा ऐसा,
पहले कर लेता था भाई मैं, बट अब थोड़ा सा मुश्किल है। और बियर पीने के बाद शायद मतलब कर भी लूंगा, पर वही वाली बात है, कर भी लूंगा भाई। अरे अब... भाई की पुरानी वीडियोस जाके देखो, 6.5-7 फुट तक जंप मारता था मेरा भाई। भाई 6 मिनट दूर है अब हमारा जो अगला स्टॉप है वो है बेल्जियम फ्राइज, कुछ खिला दे बस मेरे को अब। बस ब्रो चल रहे हैं, चलो वॉक करते हैं। तो यार बियर पी के निकले भाई, उनके पास 2200 अलग अलग तरीके की बियर थी। अब ये नहीं पता कि हमने कितनी पी है, नीचे कमेंट करके बताओ कि हमने कितनी बियर पी होगी। भाई मेरी आंखें आपको दिख रही है, वरुण ने तो अपना चश्मा पहन रखा, तो आप लोग अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि हमने कितनी बियर पी होंगी, कमेंट करके बताओ। और यहाँ से एक आधा सोविनियर ले लेते हैं भाई, बताओ कौन सा वाला सोविनियर लें। ये वाला ठीक लग रहा है मेरे को, थोड़ा सा कलरफुल सा भी है एंड एवरीथिंग। ले लो सर, ये वाला ले लेते हैं भाई, ये वाला बढ़िया है। बिल्कुल, बिल्कुल। हम लॉन्डो की ना एक यही बात बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है कि भाई हमारे को जो एक बारी में पसंद आता है हम वो ले लेते हैं, कोई डबल थॉट नहीं, कोई कुछ नहीं, ये पसंद आया ये ले लेते हैं। 3 यूरो का पड़ेगा हमारे को, तो ये लेकर मैं आता हूँ बाहर, जब तक आप करो वरुण से बात। तो अब यार यहाँ पे चलते चलते हमें एक गली सी मिली, यहाँ पर काफ़ी लोग अपना छोटी छोटी शॉप्स बना के बैठे हैं इस तरीके की। यहाँ पे बहुत सारे सुवेनियर्स एंड एवरीथिंग, लाइक अलग अलग तरीके की ज्वेलरीज है, बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। और भाई ब्रसल्स में भी चल रहे हैं अपने पंजाबी गाने, तो एक नंबर भाई। तो भाई बेल्जियम आए और मैं बता रहा हूँ कि अपना इंडिया पाकिस्तान जो मर्जी हो यहाँ पर सारा का सारा बसा हुआ है। जीशान भाई है यहाँ पर, उनसे हम मिले यहाँ पर। भाई कितना टाइम हो गया यहाँ पर रहते हुए? मुझे ज्यादा नहीं, 3 साल हो गए इधर। 3 साल हो गए, कहाँ से? लाहौर से। लाहौर से, लाहौर से। वाह वाह बढ़िया भाई बढ़िया। तो बहुत ज़्यादा टाउन घूमा, बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत ज़्यादा तरीके का कुजीन देखा, बहुत ज़्यादा चीज़ें देखी। और यहाँ पे यार बहुत 3 लैंग्वेजेस चलती हैं अपनी, फ्रेंच, डच एंड अपनी इंग्लिश। तो अब ये है यार यहाँ का वेदर इस टाइम पे, ये खाना है हमको। ये खाने आए थे भाई बेल्जियन वॉफल्स, अलग अलग तरीके के वॉफल्स होते हैं। ये है बेल्जियन वॉफल, ये है अपना कौन सा वॉफल है मेरे भाई? लीज वॉफल। और ये है अपने बेल्जियन फ्राइज, ये यहाँ का फेमस आइटम है। और यहाँ का एक और फेमस आइटम है, वो है हम रूसेराही। और अब यार इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, बहुत ज़्यादा मस्ती होगी, बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट हो गया। अब आगे की डेस्टिनेशन पे मिलते हैं आपको, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।